ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, यूपी बिहार के लोगों को एक एक समय था जब मुंबई में या बड़े शहरों में भैया बोलते थे, लेकिन अगर फिल्म सफल होगी तो लोग भैया जी बोलेंगे, है कि नहीं? जब लोगों के जबान पे चढ़ जाएगी फिल्म, हर व्यक्ति जब जाके देखेगा तो वही भैया भैया जी हो जाएंगे। तो आपने कहीं ना कहीं भैया को भैया जी बनाने के लिए इस बार आपने सोच लिया है? मेरे दिमाग में तो हमेशा से भैया जी ही रहे हैं, क्योंकि मैं बिहार का हूँ और इस यहाँ की संस्कृति, यहाँ के परिवेश में पला बढ़ा हूँ, तो मेरे लिए भैया भी, हमारे बड़े भैया भी भैया ही बोलते हैं या भैया जी बोलते हैं, किसी को ज्यादा सम्मान देना होता है तो मेरे लिए वो कोई अंतर उसमें दिखता नहीं है। थोड़ा फिल्म के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये बड़े भाई की कहानी है। बड़े भाई, एक सौतेला बड़ा भाई जो जिसने अपने पिता को वचन दिया था कि वो अपने सौतेली माँ और सौतेले भाई की एक बाप की तरीके से उनकी देखभाल करेगा और वो किसी भी गैर कानूनी काम में नहीं जाएगा, जो कि जिसमें वो लिप्त रहता था। और आज जब सब कुछ सही हो रहा है, तभी एक ऐसी मुसीबत इनके सर पे पड़ती है जहाँ पे अब इनको जो है अपने परिवार के साथ जुड़ना है, परिवार की इमोशन को आगे लेके जाना है और परिवार की रक्षा करनी है। ये जो फिल्म का ट्रेलर हमने देखा, उसमें जो पहले एक जमाने में आता था, आज से अगर बात की जाए 10 साल 20 साल पहले, जब वो मार धार वो म्यूजिक तो कुछ इस टाइप का लगा, तो मतलब क्या दिमाग में था जब ये बनाने से? जी, हमारे तो दिमाग में यही था। मेरे लिए तो ये था कि हम सबके लिए ये ट्रिब्यूट है 70 के दशक को। 70 के दशक में जो मेन स्ट्रीम की फिल्में बनती थी, उसमें नायक अमूमन छोटे शहर गांव से आता था और वहाँ की परंपरा वहाँ और वहाँ की जड़ से जुड़ी हुई कहानी होती थी। भले ही वो लार्जर देन लाइफ होती थी, उनके एक्शन बड़े लार्जर देन लाइफ होते थे, अब बताइए, और या फिर नीचे के तबके के लोगों की बात होती थी, नायक वो होता था। धीरे धीरे चीज़ें हम गांव और छोटा शहर हमारे मेन स्ट्रीम के बड़ी फिल्मों से गायब होने लगे। आज भैया जी के साथ ये कोशिश ये भी है कि मेन स्ट्रीम के इस पूरे फॉर्मेट में गांव और छोटे शहर की कहानी को लेकर